आज हम बात करेंगे हमारी इनकम और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर के बारे में। आप सभी को पता है कि अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। इसी टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी इनकम के बारे में। हर महीने हमें अपनी अर्निंग्स का एक बजट बनाना चाहिए। बजट बहुत ज़रूरी होती है, इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना कमा रहे हैं और उसका हिसाब से हम अपने एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं। हमेशा इनकम से पहले सेविंग्स को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि सेविंग्स ही हमारी फ्यूचर के लिए रिजर्व होती है। अब आते हैं जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उनके बारे में। हमारे ज़िंदगी में अक्सर ऐसा एक्सपेंडिचर होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि बहुत सारी शॉपिंग, घूमना फिरना या महंगे गैजेट लेना। इन सब चीज़ों पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है कंट्रोल रखना। एक तरीका है कि हम अपने खर्चे को ट्रैक करें। हर महीने हमें अपने एक्सपेंस का हिसाब रखना चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि हमें किस चीज़ पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम इम्पल्स बाइंग से बचें। इम्पल्स बाइंग बहुत डेंजरस होता है। जब भी आपको कोई चीज़ खरीदने की इच्छा हो, थोड़ा समय ले और सोचिए कि क्या ये चीज़ सच में ज़रूरी है, क्या आप इसको एफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं तो बेटर है कि आप उस खर्चे से बचिए। और एक चीज़ है, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड पर लिमिट सेट करिए और उससे ज़्यादा खर्चा ना करें, और हमेशा समय पर बिल पे करिए ताकि इंटरेस्ट चार्ज से बच सके। तो दोस्तों, इनकम और जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसके बीच में बैलेंस रखना ज़रूरी होते हैं। अपना इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी इनकम का सही इस्तेमाल करिए, सेविंग्स करिए और हाँ, इन्वेस्टमेंट भी करिए। इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं। हमें हमेशा जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उससे पैसे को सेव करना होता है। हम अपने ऐसे ही स्टेटस मेंटेन करने के लिए या सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए ऐसे ही कोई भी गैजेट ले लेते हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी कार ले लेते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर से हमें बचना चाहिए। हमको एसेट बनाना चाहिए और लायबिलिटीज़ कम बनाना चाहिए। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।